अस्सलाम वालेकुम केम छो सस्वेकाल के रो हाले कसे का नमस्ते केम होना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या होना है मेरा भाई, हाँ मेरे फ्रेंड्स, आस्ते आस्ते ये घर अखाड़ा बनते जा रहा है। रोज एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल आधा दर्जन झगड़े हो रहे हैं। एंड आज गाइस बिचुकले का लफड़ा हुआ देवोलीना के साथ, उमर का लफड़ा हुआ देवोलीना के साथ, उमर का लफड़ा हुआ मंगेश के साथ, राखी का लफड़ा हुआ मोमो के साथ, मोमो का लफड़ा हुआ तेजू के साथ। हर एक आदमी दूसरे आदमी का खून का ऐसा हो रहा है। आज ऐसा लग रहा था कि रॉयल रंबल इन बिग बॉस 15 हो रहा है, वो भी वर्बल बीच बीच में। हाँ झटके पड़े मंगेश को, उमर भी आया मंगेश को मारने के लिए। मंगेश तो ऐसा जोश में आ रहा था जैसे कि अरे उमर रियाज को पेल देगा। गाइज ऑल सेड एंड डन, आज का एपिसोड बहुत ही हाइपर था, हाई वॉल्यूम था एंड काफी हद तक टॉक्सिक भी था। जिस तरह से राजीव ने कहा है देवोलीना तुम बहुत ही टॉक्सिक हो, समझ में आ गया, ए तेरा मुंह, तेरा मुंह कचरे की पेटी जैसा है, तुम सांस नहीं, तुम्हारे मुंह से बास आती है, ये सारे के सारे चीजों ने एटलीस्ट फॉर द ऑडियंस एक एंटरटेनिंग व्यूइंग बनाई। लेकिन अब हम एपिसोड डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। मैंने एपिसोड की शुरुआत में हमें देखा किस तरह से राखी सावंत अपने पति जो है यानी कि रितेश की बुराई करते हुए दिखाई दे रही है, कहती है उसको दूसरी लड़कियां पसंद आती है, वो अपने आप को इमरान हाशमी से बड़ा किसर समझता है, वो पूरा दिन देवोलीना के साथ बैठा रहता है। हाँ ऐसे पति से अच्छा है कि पति ना हो। मेरे फ्रेंड्स राखी सावंत ऑब्वियसली डज नॉट लुक हैप्पी विद रितेश। ऑब्वियसली सभी लोगों को पता है कि रितेश की बाहर एक पत्नी है, उनका जो भी है बाहर का पर्सनल मैटर। लेकिन गाइस यहां पर इतना देखा गया है कि राखी सावंत को हमेशा रितेश चुप करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि राखी सावंत उसके हमेशा जो पक्ष में बात करते हुए दिखाई दे रही है। फिर वहां से कट टू पूरा का पूरा जो फोकस है वो मोमो पे चले जाता है। अपेरेंटली गाइस मोमो को चॉपिंग की ड्यूटी की दी गई थी एंड वो तेजू ने आके कर ली। तो मोमो यहाँ पर सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट जो है वो बनते हुए कह रहे हैं कि तेजू को बोला इंटरफेयर नहीं करने के लिए मेरे काम में, वो मेरी चॉपिंग क्यों कर रही थी। राखी बोलती है ए तेजू अदा शाणी मत बन, दूसरों के काम में हाथ मत डाल। तेजू बोलती क्या प्रॉब्लम है अगर मैं उसका काम कर ली तो। मोमो बोलती मेरी ड्यूटी है ना बाथरूम की, तो मेरी ड्यूटी मत कर। तेजू बोलती अरे तो करना, तेरा काम है तू ही कर। राखी बोलती है एक मिनट, ये तो वॉलंटरी कर रही है ना, उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है। मोमो बोलती है करना है तो कर, फालतू का ड्रामा था ये। हाँ मोमो को तो खुश होना चाहिए कि उल्टा तेजू उसका काम कर रही है, लेकिन मोमो बोलती है नहीं बाद में आके मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं काम से भाग रही हूँ, काम चोर हूँ, ये सब समझ में आ गया। इसी दौरान उमर ने खाली इतना बोला खाली, अच्छा हुआ ये सब मैटर जो है सुलट गया, यानी कि मैटर जो सबसाइड हो गया। लेकिन गाइज यहाँ पर ये दूसरी बार है जब ये छोटी बच्ची तेजू ने यहाँ पर आकर लोगों को मारने की धमकी दी है। कल बिचुकले को बोला आई फील लाइक जस्ट स्लैपिंग यू राइट नाउ, एंड आज उमर रियाज को बोला आई फील लाइक स्लैपिंग उमर रियाज। क्यों भाई, हाँ अपने महिला होने का फायदा आप ऐसे उठाओगे लोगों को, लड़कों को लाफा मारते हुए। हाँ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। उमर रियाज ने अच्छा किया वो मैटर जो है वहां तभी नहीं बोला एंड उसने सुबह उठकर ये मैटर उठाया। वो क्या हुआ फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। एंड गाइज यहाँ पर बिचुकले फिर से तमाशा करना शुरू कर देता है। बिचुकले आके बोलता है वो मैंने तुमको वो कपड़ा पहनने के लिए बोला था ना वो लहंगा, तुम मेरे से झगड़ा किया इसलिए तुमने वापस डिजाइनर को कपड़ा भेज दिया क्या। हाँ देवोलीना बोलती अरे तुमको स्प्लिट पर्सनैलिटी है क्या, मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, उठ के चली जाती है। तो अब गाइज यहाँ पर देवोलीना अंदर जाती है, बिचुकले बाहर बैठ जाता है। बिचुकले का सारा मैटर जो है देवोलीना अंदर बताती है कि वो मुझे बोल रहा है कि मैंने तुमको कपड़ा पहनने के लिए बोला था लेकिन झगड़े के बाद तुमने कपड़ा जाके अंदर रख दिया और सब घर में ऐसा मुंह बना दिया जैसे कि बिचुकले ने को अपराध कर दिया। और फिर सलमान भाई आए थे शूटिंग करने के लिए आज, एंड देवोलीना की अच्छी तरीके से क्लास ली गई है। अब कल देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुई है बातचीत इन दोनों के बीच में। लेट्स सी इविक्शन होता है कि नहीं होता है। इस टाइम पे पति कहता है ये बिचुकले तो आशिक निकला। पति क्या बिचुकले का ऐसा समझा रहा है जाकर ऐसे बिचुकले समझने वाला है, बिचुकले का ब्रांड जो है वो समझने वालों का ब्रांड नहीं है, वो बोलते जाएगा जो उसके मन में आएगा वो बोलते जाएगा, समझ में आ गया। तो अब गए शमिता कहती है कि तुम देवोलीना बोल दो बिचुकले को कि मेरे नजदीक मत आना, समझ में आ गया। देवेना बोलती है अरे वो रोज का तमाशा कर रहा है, उस दिन ऐसा फ्लाइंग किस भी किया मेरे को। एंड ये सुनते ही प्रतीक का खून गर्म हो गया। प्रतीक कहता है मैं जा रहा हूँ कन्फर्ट करने के लिए। देवेना बोलती मत जा। प्रतीक सुनता नहीं एंड यहाँ पर वो लेके जाता है दादा को। एंड देवोलीना कहती है कि बिचुकले को लगता है कि मैं सिगरेट पीती हूँ, वो भी उसके वजह से सिगरेट पी रही हूँ। दादा को पूछता है प्रतीक आपने फ्लाइंग किस किया। बोला कर रहे थे सब लोग, तो मैंने भी वैसा कर दिया। प्रतीक कहता मत करो ये सब यार,
ये सब मत करो, मतलब तुम क्यों करने की जरूरत है, बात ही मत करो तुम। बिचुकले बोलता है, देखो रे ये सब के सब लोग है ना उसको ट्रिगर कर रहे हैं। मैं क्या बोला, वो जो पंजाबी कपड़ा पहनती ना, हाँ पंजाबी कपड़ा पहनती ना, उसके जैसा एक बिंदी लगाएगी ना सर पे, वो मैं बोला मेरे पसंद की, वो जो ना कान में बिंदी पहनती, कान का लेती है। हाँ मैं उसको बोला उस दिन येलो ड्रेस पहनने के लिए, हाँ मैं ही बोला ना उसको। प्रतीक बोलता है, आगे की स्टोरी बोलो ना बिचुकले बाबा, है क्या तुम कर रहे हो यहाँ पर। बिचुकले बोलता है, उस दिन वाओ का टास्क था ना, तो मैंने शमिता को जिताया, तब से 2 दिन मेरे से बात नहीं की वो, तभी से लफड़ा शुरू हो रहा है यहाँ पर। हाँ भगवान भी बोलेगा ना तो मैं उसकी पप्पी नहीं लूंगा, समझ में आ गया। मैं ऐसा बोला, वो मेरे को पप्पी दे 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 पप्पी दे, मैं उसको पप्पी लेने नहीं जाऊंगा। बिचुकले क्या बोल रहे हो तुम, कभी हंस रहा था दोनों बैठकर यहाँ पर। अब गाइस यहाँ पर उमर जो है वो कहता है यहाँ पर किसको आकर, मोमो को, कि मैं यहाँ पर तेजू को बोला कि अच्छा मैटर खत्म हुआ, तेजू पिस ऑफ हो गई, मेरे को चिल्ला रही थी, मारने के लिए आ रही थी। मोमो यहाँ पर फुल मोड में आ जाती है। मोमो कहती है कि आई डिडंट लाइक द वे शी टोल्ड यू नो, कि तुझे लाफा मारूंगी। उमर बोलता हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं बात करूंगा उससे। मोमो बोलती है, वो हमेशा हर मैटर में केके को क्यों इन्वॉल्व करती है। उमर बोलता है, उसकी बंदी है, गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व करेगी। सुबह गाना बजता है, राखी सावंत का पति खूब चिपकन चिपकी करके डांस करते हैं, एंड यहाँ पर देवोल ने जो माचिस लगाई उसकी आग सीधा उमर से सीधा रियाज तक गई। उमर रियाज लुक्ड एब्सोल्युटली चार्ज्ड अप। वो बेचारा सो के उठा था, जस्ट इमेजिन तुम सो रहे हो, तुमको आके कोई बोलेगा हे तूने टूथपेस्ट कहाँ छुपाया है, जबकि तुमने नहीं छुपाया है। बोलती है ना, तुम तो छुपाते रहते हो ना दूध वूध ये सब। फिर तो उमर रियाज क्या भड़का और ऐसा उसको भाषण दिया जाकर। उमर कहता है, सुन बे तेजू, मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, मुझे ना लाफा कोई भी नहीं मार सकता। कल क्या बोला तूने, मुझे लाफा मारेगा? हाँ करण को भी मैंने परमिशन नहीं दी मुझसे ऐसा बात करने की। राखी बोलती है, ए उमर रात का टॉपिक अभी क्यों निकाला तूने? हाँ उमर बोलता है, मेरे को मेरा तभी बात करने का मन नहीं था, अभी मैं आकर बोल रहा हूँ। तभी उसको बोलती है, अच्छा जब मेरा पति भाड़े का टॉपिक है मैंने सुबह को निकाला, तो अभी तूने क्यों निकाला सुबह को? यहाँ पर राखी फुल मूड में थी उमर की यहाँ पर उंगली करने के लिए। एंड उमर ये भी कहता है कि मैं सबके सामने मैटर इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि तेजू तूने मुझे सबके सामने बेइज्जती की थी, समझ में आ गया? उमर कहता है, लड़की आके बोली, ओ लड़की। उमर सब कॉमेडी देखो तुम लोग, देवोली ना उमर के साथ कितने दिन से रह रही है, 1 महीना हो गया। उमर कहता है, वो लड़की आके मुझे बोल रही है कि मैंने पेस छुपाया, मेरा दिमाग सटक गया। उसको देवोली ना का नाम भी नहीं मालूम है। तेजू बोलती, मैं गलत हूँ, लेकिन तूने भी मेरे से ऐसी बातें की हैं पहले, इवन यू हैव टॉक लाइक मी लाइक दैट। उमर बोलता है, सो क्या मैंने ऐसा बात किया, मैंने क्या, मैं तुझे बोला कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा? हाँ तेजू बोलती है, चल सॉरी बोल रही हूँ तुझे, मैं सॉरी बोल रही हूँ। और सो रोना शुरू कर देती है, मेरे बाप रे बाप। जब आती है तो मैं लाफा मार दूंगी, तब कुछ नहीं, एंड अभी, और मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद राखी आके बोलती है, तूने कोलगेट छुपाया क्या, कोलगेट छुपाया क्या तूने? हाँ उमर बोलता, मैंने कोलगेट नहीं छुपाया, बोलो ना मैंने कोलगेट नहीं छुपाया। और देखते ही मंगेश की सटक जाती है, भैया मंगेश दूध जब नहीं लाते हो हमारे घर पे तो क्या हम तुमको ऐसा करते हैं? बैग साला है, तू दूध कहाँ पीता है बे, तो तब टून हो जाता है। अरे साले सूर्यवंशम में खीर बनाई थी तो दूध की बनाई थी ना। वो खीर खा के क्या हुआ था पता है ना तुझे? अरे चुप रहिए आप। है मंगेश के अंदर क्या जोश आया, मंगेश उमर को मारने के लिए चला गया। बोलता है, ए हाथ मत लगाना, क्या समझ के रखा है तुमने? उमर बोलता है, ए तू क्या समझ के रखा अपने आप को, ये फुल एकदम क्लोज आ जाते हैं यहाँ पर। उमर बोलता है, ए टकले, मंगेश को फुल चिढ़ा देता है। सबको पता मंगेश वीक पहन गया है। उमर बोलता है, ए मंगेश टकले साले तेरी औकात क्या है? मंगेश उमर भिड़न शुरू कर देते हैं। मोमो भी आ जाती ना फुल। शमिता बोलती है, उमर यू जस्ट गॉट अप प्लीज कम आउट डोंट फाइट। मोमो आ जाती झगड़ने के लिए मंगेश से, फेस टू फेस आ जाती है यहाँ पर। खूब गालियां होती है, अच्छी खासी। मोमो ने उसको गाली दी है, मंगेश ने मोमो को गाली दी है, दोनों ने एक दूसरे को खूब गाली दी। राखी भी बोलती है, ए मोमो मोमो, खूब चिल्ला रही है यहाँ पर बैठ कर। उमर बोलता है, इनकी औकात क्या है, क्या है इनकी औकात? मंगेश बोलता है, ए फाड़ देंगे, समझ गया ना, फाड़ देंगे हम। ए मोमो रात भर तो चढ़ाती है सबको, हाँ नाटक करती है। ए राखी इनसे आज से बात नहीं करेगी तू, समझ में आ गया ना? हाँ मोमो बोलती है, मंगेश तू है कौन,
तू है कौन? तू तो राखी के दम पर आया इस शो में, तू बोलने वाला कौन है यहाँ पर? राजीव कहता है दे बोली ना तुम एक नंबर की टॉक्सिक हो, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है। राखी बोलती है मोमो तू चुड़ैल एक नंबर की। रश्मि देसाई को राखी नेशनल टेलीविजन पर चुड़ैल, ये ना बड़ी चुड़ैल कहती है। राखी कहती है रश्मि देसाई अगली बार तूने मेरे पति का अस्तित्व क्या है पूछा ना मेरे को, तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। मोमो बोलती है मेरे लिए कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है मेरे लिए। अब गाइस यहाँ पर रश्मि उमर के साथ बैठी हुई थी एंड उस पर हाथ रखी हुई थी एंड उसको ऑब्वियसली संभाल रही थी यहाँ पर, लेकिन मैटर जो है वहां रुका नहीं, मैटर बढ़ता गया। यहाँ पर मोमो एंड देवो दोनों आपस में झगड़ा जो है वो करना शुरू कर देते हैं एंड राजीव कहता है क्या हो तुम, क्या हो तुम? राखी कहती है कि ए राजीव तेरी क्या औकात है यहाँ, थू है तेरे पे थू है। हाँ मंगेश बोलता है ए आई ऑल्सो डोंट नो तुम कौन हो यहाँ पर, तुम कौन हो? हाँ देवो कहती है मोमो उमर को तू है ना नचा रही है, नचा रही। मोमो बोलती है देवो इडियट है तू, इडियट यहाँ पर। मोमो बोलती है दूर रहे, दूर रहे तू हम लोगों से, समझ में आ गया ना, तू पता चल गया ना अगर मेरे से प्रॉब्लम है दूर रहे मेरे से। और उमर कहता है तौबा 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 तौबा, हम स्कूल में थे ना एक पिक्चर रिलीज हुई थी तौबा तौबा हे तौबा तौबा, आई थिंक उसमें पायल रोहत गई थी, जरा गूगल करके देखना वो पिक्चर। उस जमाने में वो पिक्चर देखने के लिए लोगों ने क्या कोशिशें की थी स्कूल से कॉलेजेस की, लेकिन उस टाइम अटेंडेंस सर्टिफिकेट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। हाँ लेकिन अब बहुत ईजी हो गया, ए सर्टिफिकेट पब्लिक बच्चे घुस जाते हैं अंदर, लेकिन वो जमाने में CBFC वाले अंदर आके टॉर्च मार के चेक करते थे कौन एडल्ट पिक्चर में बैठा है यहाँ पर। ओके अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम टॉपिक चल रहा है इंडिया का, आप साले चले गए दूसरी कंट्री में चले गए। वाह साला वो बराबर बात बोल रहा है, हमको बहुत पसंद है तौबा तौबा। आपको तौबा तौबा पसंद है हाँ, उसमें कौन हीरोइन थी पता है आपको? मैं सलाह वो सब बात नहीं करना है। आगे बढ़ाते कहानी। तो अब गाइज यहाँ पर राखी अंदर आती है एंड प्रतीक कहता है कि राखी सास नहीं बास है। राखी बोलती है आप प्रतीक तेरे मुंह से बास आ रही, यहाँ तक आ रही। उमर कहती है नहीं ये बास नहीं है, राखी तो कचरे की पेटी है। राखी बोलती है उमर तेरी शक्ल देख के तो उल्टी आती है। उमर बोलता है तेरी काला दिल तेरी काली जबान राखी की है, और रैप करने की कोशिश करता है। तो अब गाइस यहां पर करण कुंद्रा कहता है उमर जान से मेरी बात सुन, वो लोग तेरे को है ना टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ना तेरी मेरी हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है राजीव की, हाँ और तेजू भी हमारे साथ है और मोमो भी हमारे साथ है, हमको टारगेट कर रहे हैं, जरा बच के रहना। ये देवबोली ना राखी है ना हमको तोड़ना चाहती है। अब बिचुकले आकर ऐसी क्या बात करता है ना आकर, देखो अफसाना ने पहले वो छुरी हाथ में लेकर शी गॉट एलिमिनेटेड बहुत बड़ा राड़ा लफड़ा हुआ था एंड बिचुकले यहाँ आकर कहता है कि मैं लाइजॉल पी लूंगा। देखो भाई ये सब फालतू गिरी नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखानी चाहिए थी, ये इजिली कट हो सकता है ये सब, लेकिन वॉन्ट्स टू शो जस्ट बीप कर देंगे उसका मतलब क्या, हमको नहीं समझ में आता है क्या सब। हाँ वैसे ऐसी टेंडेंसीज चल रही है आज के जमाने में, नेशनल टेलीविजन पर सब दिखा होगा यहाँ पर। हाँ निशांत गुस्सा हुआ, सही हुआ वो गुस्सा। हाँ देवो ना भड़कती है बस कर दे बिचुकले बस कर दे। हाँ बिचुकले बोलता है अबे निशान तेरे को बोला ना तो तू काय को सबको बोल दिया, अबे ये कल तेरे को कुछ हो जाएगा। हाँ तो निशान के सर पे आएगा ना टोकरी, तू साले निकल लिया लाइजॉल पी लिया। हाँ उसके बाद निशान के ऊपर सब फूटेगा, अच्छा हुआ निशान ने पूरे घर में बोल दिया। हाँ प्रतीक बोलता है तो अफसाना अफसाना घर से निकल गई थी ना, अफसाना घर से निकल गई थी ना, तुम ही निकल जाओगे, तुम ही निकल जाओगे, तुम ही निकल जाओगे। अरे प्रतीक सहजपाल 77 डेज हो गए वहां, तुम कितना दिन रहकर आए? अब तो भाई आराम से बात कर ले। हाँ क्या है लेकिन दिक्कत? हाँ यहाँ पर वो कहता है तुम बाहर निकल जाओगे। हाँ बिजुले कहता है वो लेकर आओ सच का सामना का मशीन, मैं इधर टेस्ट करूंगा। और कौन पीछे था? पीछे से किसी ने पीछे से कुछ क्या बोला, कहा कि इसको नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट। यू थिंक नार्को टेस्ट इज सच अ जोक कि इस बात पे नार्को टेस्ट होगा घर में? हाँ सीरियसली कभी कभी ऐसी बचकानी बातें होती है ना बिग बॉस के अंदर। देवेना कहती है मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे पैटर्न नहीं चाहिए, समझ में आ गया? उमर कहता है दादा खत्म करो ना यार, उसको तुमसे बात नहीं करना है। अब गाइस प्रतीक प्रतीक और प्रतीक देवेना के कंधे बात रख के घूम रहा है, देवेना को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बिचुकले ऑब्वियसली बिचुकले कल गलत था एंड प्रतीक एंड देवो बहुत अच्छे दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवो हैज नो प्रॉब्लम, प्रतीक उसके कंधे बात रख के जा रहे हैं, कहते काम डाउन काम डाउन काम डाउन। हाँ बिचुकले कहता है ये देख देवो साथ में बैठते थे, खंजर भोग दिया मेरे पीछे। अरे भाई तुम अब क्या बोलूं भाई, तुम्हारी बीवी है बाहर, बच्चे छोड़ दो देवोलीना को यार,
मैं होता था, मैं तो दूर रहता था, दूर एकदम दूर। हाँ, डी फॉर देवर, डी फॉर दूर। यहाँ पर भैया रश्मि देसाई बाल को घुंघराले करते हुए दिखाई दे रही है, और शमिता अपने सफेद केसों को काले करते हुए दिखाई दे रही है। हाय, शम्मो कहती है बाहर उसका पति है, उसके बच्चे है। हाँ, ऐसा कौन करता है यार। हाँ, फिर जेल का टास्क आता है, सबको एक कंटेस्टेंट का नाम है ना, जेल जाएंगी। तेजू यहाँ पर ऑब्वियसली अभिजीत बिचकुले का नाम लेती है, राखी बिचकुले का नाम लेती है, निशान देवोलीना का नाम लेता है। प्रतीक यहाँ पर कहता है कि मैं मोमो का नाम लूंगा। वो लोगों को अलग अलग बातें बोलती है, कुछ चीजें बोल देती है। राजीव यहाँ पर देवो का कहता है हमारी बनती नहीं है यहाँ पर। करण कुंद्रा भी देवो का नाम लेता है, एंड देवो कहती है मैं मोमो का नाम लूंगी। वापस मोमो देवो का फालतू लफड़ा होता है, एकदम बकवास यहाँ पर। हाँ, शमिता यहाँ पर देवोलीना का नाम नहीं लेकर तेजस्वी का नाम लेती है। तेजू बोलती है, कहती है शमिता पूरे हफ्ते ना ये तेजू सबको इंस्टिगेट करती है। वो कहती है नहीं, मैंने इंस्टिगेट नहीं किया। निशान बोलता है तूने किया इंस्टिगेट, सबको करती है। तेजू और शम्मू की झगड़ा हो जाती है, फुल ऑन झगड़ा हो जाता है। उमर कहता है अबे यार टास्क में लफड़ा मत करो यार, टास्क करना है पागल लोग, टास्क करना है। एंड जब टास्क करने जाते हैं, यानी कि एक आदमी का नाम देने जाते हैं कौन जेल में जाएगा, तेजू हैज द फाइनल वर्ड एंड तेजू कॉल शमिता झूठी। खत्म, फिर तो खत्म। शमिता बोलती डोंट कॉल मी दैट वर्ड डार्लिंग, डोंट यूज अ टू झूठी वर्ड ऑन मी, अंडरस्टूड यहाँ पर। एंड वहां पे शो आज का समाप्त होता है, कल और राड़ा होगा, मजा आएगा। एंड कल सलमान मेरा भाई आएगा और मजा आएगी। ओके गाइस, सौ बज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। जो पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ द रोड टू द फिनाले हैज बिगन। 16 जनवरी इसका फिनाले होगा, अगले 17 जनवरी को आप और मैं यहाँ पर नहीं रहेंगे बिग बॉस के रिव्यूज में। सो 1 महीने बचे हैं, रिव्यूज इंजॉय कीजिए, बिग बॉस इंजॉय कीजिए, एंड मे द बेस्ट मैन एंड वुमेन विन द शो ऑफ BB15। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल।